हेलो दोस्तों दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको राई पैकिंग के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि 10 रुपये MRP में आपको राई को कैसे पैक करना है और उसका क्या मार्जिन है और उसे कितने ग्राम पैक करना है। दोस्तों मैंने साबुत मसालों को लेके काफी वीडियो बना रखी है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप साबुत मसालों का बिजनेस करते हो तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हो। दोस्तों जितना ज्यादा मार्जिन साबुत मसालों के बिजनेस में है इतना किसी चीज में नहीं है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको राई को मार्केट से ले लेना है। दोस्तों जो आपको राई मार्केट से 100 रुपये किलो के आसपास मिल जाएगी, तो आपको 10 रुपये MRP में एक पैकेट के अंदर 25 ग्राम राई को पैक करना है। दोस्तों इसी तरीके से आपको 20 पैकेट को पैक कर लेना। 20 पैकेट को पैक करने के बाद आपको एक गत्ते पे स्टेपल करना है। मैं आपको स्टेपल किया हुआ गत्ता दिखा देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपको एक गत्ते पे 20 पैकेट स्टेपल कर लेने हैं। ये देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है दोस्तों 10 और 10, 20 पैकेट को आपको स्टेपल कर लेना है। स्टेपल करने के बाद हमारा गत्ता तैयार हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इसका मार्जिन समझा देता हूँ। दोस्तों हमें राई 100 रुपये किलो के आसपास मार्केट से मिल जाएगी। दोस्तों हमने एक पैकेट के अंदर 25 ग्राम राई को पैक करा, तो दोस्तों जो राई की कॉस्ट आई वो 2 रुपये 50 पैसे आई। उसके बाद दोस्तों पन्नी और जो पिन लगेगी उसकी कॉस्ट हम 25 पैसे मान ले, तो दोस्तों ये टोटल कॉस्ट 2 रुपये 75 पैसे हो गई। तो दोस्तों अब ये 20 पैकेट है तो हम 20 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये टोटल कॉस्ट 55 रुपये हो गई। अब दोस्तों गत्ते की कॉस्ट हम 3 रुपये मान के चलते हैं तो दोस्तों ये टोटल कॉस्ट 58 रुपये की हो गई। अब हमें इसे मार्केट में 120 रुपये में सेल करना है तो दोस्तों हमारी कॉस्ट आई 58 रुपये, तो दोस्तों हमें एक गत्ते पे 62 रुपये का मार्जिन हो। 62 रुपये का मार्जिन एक गत्ते पे बहुत होता है। दोस्तों इस तरीके से आप साबुत मसालों का बिजनेस करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों साबुत मसालों में बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा। दोस्तों अगर आप सारे प्रोडक्टों को थोड़ा थोड़ा भी पैक करके मार्केट में सेल करोगे तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा लोगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियो साबुत मसालों को लेकर नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देखना, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उनसे आप बहुत फायदा मिलने वाला है कि आपको साबुत मसालों को कितने ग्राम पैक करना है। दोस्तों मैंने हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो दोस्तों आप उन वीडियो को देखना न भूले। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब।